तो वहीं स्वतंत्रता दिवस के चलते हरियाणा की साइबर सिटी गुरुग्राम में भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। गुरुग्राम में सुरक्षा की दृष्टि से 3000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। 15 अगस्त को गुरुग्राम में हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय तिरंगा फहराएंगे और गुरुग्राम के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में कार्यक्रम होगा। स्टेडियम के आसपास 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था की गई है। शहर में आसपास 90 से ज्यादा पुलिस नाके लगाए गए हैं और हमारे सहयोगी दीपक शर्मा ने इस पूरी सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है, आप भी देखिए रिपोर्ट। 15 अगस्त की सुरक्षा के मद्देनजर साइबर सिटी गुरुग्राम की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। आपको दिखाना चाहेंगे, इस वक्त हम है दिल्ली जयपुर हाईवे पर और ये गुरुग्राम के सेक्टर 31 का ये इलाका, जहां आप देख सकते हैं कि गुरुग्राम पुलिस के द्वारा हर वाहन पर पैनी नजर रखी जा रही है। बकायदा गुरुग्राम पुलिस के द्वारा जगह जगह चेकिंग करके संदिग्ध वाहनों को रोक करके उनकी जांच की जा रही है, क्योंकि अगर बात की जाए 15 अगस्त क्योंकि जो है जिसके चलते किसी भी तरीके की सुरक्षा में कोई कोताही ना रहा, इसको लेकर कड़े प्रबंध जो हैं वो गुरुग्राम पुलिस के द्वारा किए गए हैं। खासकर गुरुग्राम जो कि दिल्ली से सटा है, दिल्ली और हरियाणा की ये सीमा है, तो ऐसे में यहाँ कड़े प्रबंध जो है सुरक्षा के किए गए हैं। गुरुग्राम की अगर बात की जाए तो 15 तारीख को हरियाणा के राज्यपाल जो है वो तिरंगा झंडा यहाँ फहराएंगे, ठीक साथ में फरीदाबाद में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है और शाम को 4 बजे एट होम में जो गवर्नर का एट होम है उसमें तमाम मंत्री भी यहां पर पहुंचेंगे 15 अगस्त को। ऐसे में सुरक्षा के मद्देनजर तमाम यहां पर कड़े प्रबंध जो है, चेकिंग जो है यहां पर की जा रही है। आप देख सकते हैं कि बाकायदा बैरिकेटिंग करके हर वाहन पर जांच की जा रही है, पैनी नजर रखी जा रही है पूरे हाईवे पर, चाहे वो सर्विस लेन की बात हो या एक्सप्रेस वे की बात हो, कड़े प्रबंध जो है यहाँ पर किए गए हैं। गुरुग्राम पुलिस की माने तो गुरुग्राम में तकरीबन 90 से ज्यादा ऐसे नाके लगाए गए हैं, खासकर हाईवे के आसपास ये नाके लगाए गए हैं। इसके अलावा कई एचपीएस अधिकारियों की जो ड्यूटी है वो सुरक्षा व्यवस्था के लगाई गई है। ताऊ देवीलाल स्टेडियम को भी 3 लेयर सिक्योरिटी में जो है रखा गया है, जिसमें क्योंकि राज्यपाल का प्रोग्राम है तो ऐसे में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था इन तमाम जगहों पे की गई। आप देख सकते हैं कि ये गुरुग्राम पुलिस के जवान जो जगह जगह जांच करते हुए हर वाहन को, हर संदिग्ध वाहन को रोक करके उसकी जांच जो है यहाँ पर की जा रही है। ये 15 अगस्त की सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर है संदिग्ध वाहनों की जांच जो है गुरुग्राम पुलिस के द्वारा की जा रही है। तगड़े सुरक्षा के अगर व्यवस्थाओं की बात की जाए, क्योंकि 15 अगस्त को ठीक जहां गुरुग्राम से दिल्ली में अगर बात करें एक बड़ा राष्ट्रीय कार्यक्रम, जिस तरीके से अगर बात करें 15 अगस्त की बात की जाए, वहीं साथ में हरियाणा में अगर बात की जाए गुरुग्राम के अंदर राज्यपाल का प्रोग्राम है और तमाम मंत्री भी यहां पहुंचेंगे, तो ऐसे में हर वाहन की यहां पर सख्ताई के साथ गुरुग्राम पुलिस प्रशासन के द्वारा गुरुग्राम में जांच की जा रही है। इसके अलावा साथ साथ ड्रोन कैमरों की मदद भी सुरक्षा के मद्देनजर यहां से ली जा रही है। गुरुग्राम से कैमरामैन गीतम के साथ दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज।